राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जी कैसे लगाएं, जो कि सालों साल हमारे पास ऐसी ही हरी भरी रहे और नए नए प्लांट निकलते रहें और हमें ऐसा फेस न करना पड़े कि महारानी तुलसी जी हमारे पास डोर मैसी में चली गई हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो हर हिंदू घर में सनातन के पास महारानी का पौधा एक होना ही चाहिए। तो इसी की छोटी सी जानकारी मैं आपको आज दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये गमला खाली किया है कुछ, और सबसे पहले मैंने इसकी मिट्टी को अलग कर लिया। क्या होता है, अक्सर हम कहीं पौधा लाते हैं उसी मिट्टी में हल्का होल करते हैं और पौधा लगा देते हैं। ये गलत तरीका, पहले हमें मिट्टी को खाली करना है। अब वही इसका ये सिस्टम है कि इसमें इसके मेन होल पे कंकड़ वगैरह हम लगा दें। ये प्रोसीजर हुआ हमारा पूरा। बरसात ज़्यादा है तो हम बस मिट्टी ये देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी में कहीं फंगस वगैरह या कुछ है तो नहीं। नहीं, मिट्टी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है नीचे। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद एक केले के फ्रेश छिलके डाल दिए हैं। ये क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद बहुत अच्छा काम खाद का काम करते हैं और आपको महारानी में ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया है। आजकल तो ऐसी ही महारानी आराम से निकल आएंगी। ये देखिए, मैंने गमले अमरूद के गमले में महारानी है। मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि जड़ ना टूटे, इसलिए आराम से ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने जड़ सहित पूरी निकाल ली है और ये मैंने इसको बिल्कुल ऐसे सीधा लगा दिया है। अब हम इसमें डालते हैं धीरे धीरे मिट्टी। ये देखिए, पूरा हमारा गमला महारानी का तैयार हो गया है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। सबसे बड़ी बात तो है ओवर वाटरिंग ना करें। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मेंबर जितने घर में सबने जलन में चढ़ाया, आपकी श्रद्धा है और अगर दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा पानी हो रहा है तो आप चम्मच से भी जल चढ़ा सकते हैं। तो ये डोर मैसी में नहीं जाएंगी और ऐसी ही हरी रहेंगी। दूसरा काम हमारा होता है कि जब भी मंजरी आए इनको निकाल दें। आपकी मंजनी जैसी आती रहती हैं तो आप ध्यान रखें कि कान्हा जी को चढ़ाएं, उनको अर्पण करें, वो भी खुश होते हैं और आपकी महारानी भी हरी भरी रहती है। तो छोटी सी जानकारी, महारानी का नया पौधा लगाने से उसको संचित करके रखने तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा की, कृष्ण प्यारी की। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कृपया लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करके बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और जो चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर किसी जानकारी के साथ मिलते हैं। ऐसे बने रहिएगा मेरे साथ।